बात करते हैं अब इसकी। ये हमारी है रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड। और ये देखिए व्हील्स वगैरह इसके देख लीजिए आप। ड्यूक 125 सीसी। ठीक है, ये मिल जाएगी 1,05,000 रुपए। ये टायर वगैरह इसमें डिस्क ब्रेक है, आप टायर वगैरह भी देख सकते हैं। बात करते हैं हंटर, ये 2022 लास्ट का मॉडल है। अच्छा, फर्स्ट ओनर पे है। इसमें भी ABS मिल जाएगा। और टायर की बात करें तो टायर ज्यादा घिसा नहीं है। और मेरे शॉपिंग लवर्स कैसे हैं आप सब? तो हाजिर हूं फिर से आप सभी के सामने एक नए ब्लॉग के साथ। मैं हरिओम सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो सेकंड हैंड बाइक्स के ऊपर होने वाला है, स्पोर्ट बाइक्स। तुम्हारा भाई चल के दिखाएगा, तो चले फिर फटाफट शोरूम के अंदर चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करेगा सबसे पहले देखने के लिए। तो हम लोग शॉप के अंदर आ चुके हैं और बहुत बहुत स्वागत है भैया का हमारे चैनल में। तो सबसे पहले भैया का नाम जानेंगे, आर्यन यादव। और आपकी शॉप का क्या नाम है? हर्षित मोटर्स। हर्षित मोटर्स। तो ये किस जगह पे अवेलेबल है, मतलब कहाँ पे है ये? कानपुर नवस्था बम्बा आवाज विकास वाटर पार्क के पास। ओके, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग भारी गाड़ियों का कलेक्शन देखने वाले हैं। हमारे पास भारी गाड़ियाँ जाता है। अच्छा, सेकंड हैंड में भारी गाड़ियाँ जाता है। तो एक बात और बता दीजिए, जैसे फाइनेंस अवेलेबिलिटी आपके पास होगी? ये केवल कानपुर नगर के वालों के लिए है। फाइनेंस वाला हो जाएगा। और कानपुर के बाहर के लिए जो है कैश कैश पे है। तो देखिए फाइनेंस भी हो जाएगी अगर आप बातचीत कर लेंगे अपने हिसाब से, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखना शुरू करते हैं। ये इंट्रूडर है 2018 मॉडल, सुजुकी गाड़ी है। और ये आपको दे देंगे 65,000 रुपए की। 65,000 रुपए की। तो जैसे एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे अगर कोई मेरा नाम लेके आता है तो उसको डिस्काउंट वगैरह दे देंगे? हाँ, कुछ मान सम्मान हो जाएगा मगर ज्यादा नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाए। तो हम आपको ये देखिए गाड़ी दिखा दे रहे हैं, है ना। और ये देखिए व्हील्स वगैरह इसके देख लीजिए आप। इसको थोड़ा हम घुमा दे रहे हैं आपको, टायर वगैरह भी दिखा दे रहे हैं, है ना। बढ़िया है। अब बात करते हैं हम दूसरी गाड़ी की तरफ। ये सुजुकी की एक्सेस है। ओके, 2022 मॉडल। ये आपको मिल जाएगी 72,000 रुपए की। 72,000 रुपए की। तो हम आपको ये फिर से व्हील वगैरह दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ये बढ़िया है। और इधर हम दिखा दे रहे हैं आपको सीट वगैरह, मीटर दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, है ना। और बात करते हैं हम इसकी। ये है 2019 लास्ट का मॉडल है, ड्यूक 125 सीसी। ठीक है, ये मिल जाएगी 1,05,000 रुपए। 1,05,000 की। तो आप देख सकते हैं, हम आपको थोड़ा दिखा दे रहे हैं इधर से। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो गाड़ियां यहाँ बहुत सारी लगी हुई हैं और स्पेस का थोड़ा सा वो है, है ना। तो इस वजह से पास पास में गाड़ियां खड़ी हैं। तो हम आपको मोर डिटेल जितनी हो पा रही है उतना हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और आप देख सकते हैं ये फ्रंट व्हील है, डिस्क ब्रेक वगैरह अवेलेबल है इसमें। और टायर की बात करें तो आप टायर भी देख सकते हैं। और हम आपको ये दिखा दे रहे हैं इधर से ऊपर से, देखिए चाबी इसमें लगी हुई है, बाकी सीट कवर वगैरह आप देख सकते हैं, है ना। बात करते हैं अब दूसरे गाड़ी की। ये अपाचे है, 2016 मॉडल है, फर्स्ट और सेकंड ओनरशिप में है। और ये आपको मिल जाएगी 62,000 रुपए। अच्छा, और जितनी गाड़ियां हम लोगों ने देखी हैं वो फर्स्ट ओनर ही थी? हाँ, वो सब फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है, तो ये सेकंड ओनर है। और भैया ने आपको मॉडल वगैरह बता दिया। और कितने की मिल जाएगी भैया? ये आपको 62,000 रुपए की। 62,000 में, ये 62,000 में मिल जाएगी। आप फ्रंट से देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का लुक है। और नीचे से हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए टायर वगैरह इसमें डिस्क ब्रेक है, आप टायर वगैरह भी देख सकते हैं। बात करते हैं दूसरे मॉडल की। ये 4V है, RTR 160। ओके, ये मिल जाएगी आपको 92,000 रुपए की। 92,000। 2021 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें चाबी लगी हुई है। और बाकी हम पीछे तक दिखा दे रहे हैं। और बात करेंगे फिर से वही कि आप फ्रंट से देख लीजिए, टायर वगैरह आप देख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा हम घुमाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखिए घूम गए आप। इसमें जो है ABS आपको मिल जाएगा, डिस्क ब्रेक भी है इसमें, है ना। और बात करते हैं इसकी। ये RTR 4V है। ओके, 2018 मॉडल। ये आपको मात्र दे देंगे 68,000 रुपए की। 68,000 की। तो आप देख सकते हैं ये इसमें डिस्क ब्रेक है, है ना। इसमें ABS नहीं है, उसमें ABS था। और टायर वगैरह भी ज्यादा घिसा नहीं है, वेल एंड गुड है, है ना। आप शोरूम में विजिट करें और देख लीजिए, जो आपको मॉडल पसंद आ रहा वो आप लेके जा सकते हैं। दूसरे गाड़ी की बात करते हैं। ये है हमारी FZ।
ठीक है। ये यामा की है, ये 2017 मॉडल है, ये आपको केवल 50,000 रुपए में दे देंगे, मात्र 50,000 में। ओनर कौन सा है? ओनर फर्स्ट है, फर्स्ट ओनर है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ओनर है। और हम नीचे से आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए ये डिस्क ब्रेक वगैरह भी है। टायर की बात करें तो टायर ज़्यादा घिसा नहीं है, ठीक है, वेल एंड गुड है, जो है चलाने योग्य है गाड़ी, है ना। जैसे भैया एक बात कहें आपसे, अगर कोई ये लेके जाता है बाइक, तो इसमें कुछ खर्चा वर्चा करने की जरूरत तो है? खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं, बस डायरेक्ट डायरेक्ट जाके चलाए, लेके गाड़ी ले जाए, पेट्रोल डलाए, चलाए। ओके, तो बात करते हैं इसकी। ये है टीवीएस की स्पोर्ट, ठीक है, 2020 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, और टायर है, आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं इसमें ड्रम ब्रेक है, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। और ये टायर देख लीजिए, कुछ ज्यादा घिसा नहीं है। बाकी हम इधर से आपको दिखा दे रहे हैं, और फ्रंट में देखिए चाबी लगी हुई है ना, और सीट आप देख सकते हैं। और कितने की मिल जाएगी भैया ये? ये आपको मात्र दे देंगे 50,000 रुपए की, 50,000 की। तो बात करते हैं इसकी हम, तो क्या रेंज होने वाली है इसकी? ये है 2020 का मॉडल है, ठीक है, ये ग्लैमर है, ठीक की, ठीक है, ये आपको दे देंगे 58,000 रुपए की, 58,000 की। तो आप देख सकते हैं इसमें चाबी लगा हुआ है ना, और इसमें भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है फ्रंट में, ये देखिए। और गाड़ी का लुक एकदम बढ़िया है, आप फ्रंट से देख सकते हैं, है ना। बात करते हैं अब इसकी। ये हमारी है रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड, 2019 लास्ट का मॉडल है, 1,30,000 रुपए की मात्र, 1,30,000 की। तो हम आपको फ्रंट की दिखा दे रहे हैं, ये देखिए फ्रंट का लुक कुछ ऐसा है, और ये देखिए गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन है। और हम आपको इधर से दिखा दे रहे हैं, ये देखिए इसमें ABS आपको मिल जाएगा, है ना। और टायर देख सकते हैं आप, टायर ज्यादा घिसा वसा नहीं है, है ना। और कौन सा ओनर है भैया? ये फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर है। तो बात कर लेते हैं आप, इसके बगल में खड़ी हुई है ये रॉयल एनफील्ड की है, हंटर, हंटर, ये 2022 लास्ट का मॉडल है, अच्छा, फर्स्ट ओनर पे। कितने की पड़ जाएगी ये? आपको पड़ जाएगी 1,80,000 रुपए, 1,80,000 की। तो हम आपको दिखा दे रहे हैं थोड़ा साइड से, ये देखिए 350 cc इसका इंजन है, है ना। और बात कर लेते हैं हम इसके थोड़ा फ्रंट लुक की, तो ये देखिए फ्रंट लुक कुछ ऐसा है, है ना। और इसके हैंडल वगैरह की बात करें हम, तो बगल में गाड़ी खड़ी है, हम आपको ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें भी ABS मिल जाएगा। और टायर की बात करें तो टायर ज़्यादा घिसा नहीं है, है ना। और गाड़ी नीट एंड क्लीन है, आप ले जाके एकदम ऑन रोड आप चला सकते हैं, कुछ खर्चा वर्चा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मॉडिफाई कराना चाहते हैं, जैसे ये सामने ग्लास लगा हुआ है और भी काफ़ी चीज़ें हैं, है ना, तो आपको खर्चा करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ यूज़ करने के पर्पज़ से ले रहे हैं कि हाँ जो मिल गया मुझे वो यूज़ करना, तो उस हिसाब से ये गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन है और एकदम तैयार है, बस आप कैश दीजिए और पेट्रोल डला के आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अब इसकी। ये जावा है, 2020 मॉडल है, ठीक है, फर्स्ट ओनरशिप पे, ठीक है, गाड़ी में कोई काम नहीं है, ठीक है, ये आपको लगेगी 1,40,000 रुपए, 1,40,000, 253 cc। तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, साइड से देख लीजिए, ये देखिए इधर से आप देख सकते हैं गाड़ियाँ काफ़ी सारी खड़ी हुई हैं, तो हम आपको राउंड करके नहीं दिखा पा रहे हैं, है ना। और बाकी हम यहाँ आपको सामने से दिखा दे रहे हैं, तो ये देखिए टायर वगैरह भी एकदम नया है, है ना, ज़्यादा घिसा नहीं है। और इसमें आपको ABS मिल जाता है साइड से, हम आपको वो दिखा देते हैं, थोड़ा सा हैंडल घुमा के, देखो शायद घूम जाए, थोड़ा सा घुमा है उसमें, हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए फ्रंट में डिस्क ब्रेक वगैरह आपको मिल जाएगा, है ना। और गाड़ी नीट एंड क्लीन है। अब बात कर लेते हैं इसकी, ये खड़ी हुई है, ये FZ है, 2021 मॉडल है, ठीक है, ये आपको लगेगी 80,000 रुपए की, 80,000 की। तो ये भी गाड़ी नीट एंड क्लीन है, आप ले जाके मतलब यूज करिए, है ना। और इसमें भी आपको सिंगल जो है ABS मिल जाता है, ये देखिए फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी और ABS मिल जाएगा आपको, है ना। और गाड़ी एकदम चकाचक बोले तो लल्लन टाप बन के खड़ी है, है ना। और हम आपको ये देखिए इधर से दिखा दे रहे हैं, इसमें चाबी लगी हुई है, है ना, सीट वगैरह भी बढ़िया है। और बात कर लेते हैं इसकी, तो क्या रेंज है? ये भी 2021 मॉडल है, ठीक है, और ये आपको लगेगी 75,000 की। तो ये देख लीजिए आप। और बात कर लेते हैं इधर, ये खड़ी हुई है एक वाइट कलर की प्यारी सी, इसके ऊपर बात करते हैं।
ये 2022 मॉडल है। ठीक है, फर्स्ट ओनरशिप पे है। ठीक है, गाड़ी कुल 12,000 चली हुई है। कुल 12,000 चली, 12,000। क्या बात है, कितने की दे देंगे? ये आपको दे देंगे 96 की, 96,000 रुपए। अच्छा, ये अगर इसकी बात करें नई की, तो ये नई कितनी की आ रही होगी? नई तो आ रही है 160 की आ रही है। 160 की आ रही है, तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ कितने में मिल जाएगी? 96 में आपको मिल जाएगी। और भैया बता रहे हैं 12,000 सिर्फ चली है, है ना। और हम इसका साइड व्यू दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, इसमें ABS आपको मिल जाएगा। और इसका कुछ लुक इस तरह से है, आप देख सकते हैं सामने से, ये है ना, इसमें चाबी लगी हुई है। और बात कर लेते हैं, अब ये बगल में लगी हुई है इसकी, ये होंडा की एक्सप्लेट है। ठीक है, ये 2018 मॉडल है। और ये कितने रुपए की पड़ जाएगी? ये आपको पड़ जाएगी 55,000 रुपए। 55,000 की ऑन रोड, मतलब कोई कमी नहीं है, सब वेल एंड गुड है। तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए इधर ये सामान रख, पॉलिश करने वाला वो रखा हुआ है। ठीक है, उसको छोड़ो। और ये देखो, इसमें चाबी लगी है। और साइड से हम इसका व्यू दिखा दे रहे हैं आपको। इसमें आपको ABS नहीं मिलेगा, और आपको यहाँ डिस्क ब्रेक मिल जाती है, है ना। और बैक की बात करें तो बैक में जो है आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा, वहाँ साइड में मुझको दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा हो, है ना। अब बात कर लेते हैं उसी के साथ, ये खड़ी है बगल में, हेलमेट हटा देते हैं। ये विक्रांता है जी, 2017 मॉडल है। ओके, ये लगेगी आपको 44,000 रुपए की। 44,000 की, तो ये भी वेल एंड गुड है, फुल्ली कंप्लीटेड है, कोई काम नहीं है गाड़ी, कोई काम नहीं है। तो आप देख सकते हैं सामने से कुछ ऐसा है। और फ्रंट में बात करें तो देखिए, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। और बैक की बात करें हम, तो बैक में जो है आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगी, है ना। और इसमें चाबी लगी हुई है, सामने से आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। और साइड व्यू की बात करें तो देखिए, ये कुछ ऐसी दिख रही है, है ना। स्क्रैचलेस है, स्क्रैच वगैरह नहीं है, है ना। और आप तो जानते हैं, ये सेकंड हैंड बाइक ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत 19-20 तो हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड हैंड को देखते हुए अगर बात करें इस बाइक की, तो इसमें स्क्रैच नहीं है, आप ले सकते हैं, एकदम तैयार गाड़ी है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ इसकी। हीरो की एक्सप्लेट है, 2020 का मॉडल है। ये 55,000 रुपए की लगेगी। 55,000 की, तो हम आपको ये फ्रंट से इसका व्यू दिखा दे रहे हैं, है ना। और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत टंकी पे जो है स्क्रैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। सेकंड हैंड है तो आप समझ सकते हैं। और जिस 200 cc इंजन है इसका। और बात करें अगर हम इसके फ्रंट व्हील की, तो इसमें आपको ABS मिल जाएगा और विथ डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। और इधर से हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए साइड से हम दिखा दे रहे हैं आपको, तो इसमें जो है आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, शायद आपको दिख रहा हो, है ना। इसमें ड्रम ब्रेक नहीं है, और दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, आगे भी और पीछे भी। तो बात कर लेते हैं सबकी चहेती स्प्लेंडर। स्प्लेंडर है, 2023 का मॉडल है, केवल 6 महीने पुरानी गाड़ी है। 6 महीने पुरानी गाड़ी है यार, गाड़ी की कंडीशन देख के जो है लग नहीं रहा है कि ज़्यादा पुरानी है, वेल एंड गुड है। और बात कर ले थोड़ा सा, तो ये जरा सा थोड़ा सा है, थोड़ा सा स्क्रैच है, वो उसको इग्नोर करें आप, है ना। और बाकी गाड़ी की कंडीशन एकदम वेल एंड गुड है। आप व्हील भी देख सकते हैं, ड्रम ब्रेक है आगे, और पीछे की बात करें तो पीछे भी ड्रम ब्रेक आपको मिल जाती है। और सामने से आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक है, स्क्रैच वगैरह नहीं है, टंकी पे एकदम नीट एंड क्लीन है। और सीट आप देख सकते हैं, और भैया ने आपको बता दिया कितने की दे देंगे। 76,000 रुपए की लगेगी आपको। 76,000 की। हम पहिए की बात कर लेते हैं, तो देखो यार, जिस हिसाब से भैया ने बताया उस हिसाब से पहिया एकदम नया है, ज़्यादा घिसा नहीं है, है ना। 6 महीने पुरानी गाड़ी है। और बात कर लेते हैं अब इसकी। ये पल्सर है, 2016 मॉडल है। ठीक है, ये 45,000 रुपए की है। 45,000 की, तो मात्र आपको 45,000 में मिल जाएगी ये, है ना। और थोड़ा बहुत ये लाइटिंग पे स्क्रैच वगैरह है, बाकी गाड़ी नीट एंड क्लीन है, साइड से आप देख सकते हैं, है ना। और इसमें जो आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। और टायर की बात करें तो देखिए टायर कुछ इस तरह से। और बात कर लेते हैं इधर मीटर वगैरह की, तो आप देख सकते हैं गाड़ी नीट एंड क्लीन है और एकदम चलती हुई कंडीशन में है। आप पेमेंट करिए और लेके जाइए, इंजॉय करिए। तो आपने गाड़ियों का कलेक्शन देखा, सेकंड हैंड गाड़ी का। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय।